नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि विंडोज 7, 8 और 10 अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको किस तरह से इंस्टॉल करनी है। आज की वीडियो में बात करेंगे सोनी के लैपटॉप में किस तरह से इंस्टॉल करना है आपको। आप इसकी बूटिंग की देख देख कर परेशान हो गए हैं, आपको पता नहीं चलता कि बूटिंग की कौन सी होती है सोनी के लैपटॉप में। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो स्विच ऑन ऑफ का बटन होगा और दूसरी तरफ होगा असिस्टेंट का बटन। आपको कुछ देर असिस्टेंट को दबा के रखना है। सोनी के लैपटॉप में तो बूटिंग की असिस्टेंट का बटन होता है और आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे लैपटॉप जो होते हैं और जैसे डेल का, एचपी का, जो उनके लिए बूटिंग की कौन सी है मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बूटिंग की सभी की मिल जाएगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको इसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ से बूटिंग की देख सकते हैं सभी लैपटॉप की, इसमें लिखी हुई है। हम आज सोनी की बात करेंगे। तो यहाँ से अपनी जैसे किसी किसी जब हम आप इंस्टॉल करेंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे विंडो 7 को, विंडो 8 को, विंडो 10 को, तो वहाँ पर जो आपकी हार्ड डिस्क है वहाँ पर शो नहीं करती। तो उसकी कमी यह होती है कि बूट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बूट के ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आपको ये लेसरी और इनेबल, जहाँ डिसेबल हो रखा वहाँ इनेबल कर देंगे और लेसरी कर देंगे। करने के बाद आपको यस पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ से फिर से असिस्टेंट पे क्लिक करके रखना है थोड़ी देर। आपको जैसे हमने आप पहले बताया था स्टार्ट बायो सेटअप पे क्लिक करने के लिए, अब बताया था आपको बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बना रखी है। आपको किस तरह से अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, सिंपल सा। आप यहाँ पर एनी कोई की दबा देंगे कीबोर्ड की, ये इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इतने इंस्टॉल हो रही है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको किसी भी लैपटॉप की या सीपीयू की बूटिंग की पता है तो सभी में विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 सभी में सेम प्रक्रिया से इंस्टॉल होती है। बस आपको बूटिंग की पता होनी चाहिए, किसी भी लैपटॉप की या सीपीयू की बूटिंग की जरूरी है पता होना। आपको आई एक्सपेक्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ कस्टम पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ आपकी हार्ड ड्राइव आ जाएंगी। आपको यहाँ से जोन से भी आपको जिसमें हार्ड ड्राइव में आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, आपको सबसे पहले उसको फॉर्मेट कर लेना है। अगर आप पूरा पूरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सभी को फॉर्मेट कर लेंगे, और नहीं करना चाहते तो जिसमें भी आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट मानना चाहते हैं आप तो सभी पे फॉर्मेट का ऑप्शन करके फॉर्मेट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं आपको कि हर लैपटॉप की बूटिंग की कौन कौन सी होती हैं, सोनी की, डेल की, एचपी की, जो भी बूटिंग की है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, वहां से आप देख भी सकते हैं और लास्ट टाइम बता भी दूंगा कौन कौन सी होती है। अब यहां देख सकते हैं विंडो स्टोनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम, इसमें आपका 15 से 20 मिनट लग सकती हैं। इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। 41% हो चुकी है। नंबर परसेंट हो चुकी है ये सभी लैपटॉप में बूटिंग की पता होने के बाद आप घर बैठे ही अपने किसी भी पीसी में या लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा प्लस पैसे भी बचेंगे। आपको बस दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पेन ड्राइव, वो भी बूटेबल होनी चाहिए। और आपको किस तरह से बूटेबल करनी है मैंने बता रखा है, अभी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। और आपको विंडो जो भी जोन सी भी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है उसके एक iOS फाइल होती है, वो मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है। वो आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है, वहाँ से डाउनलोड करके विंडो बूटेबल करना, फिर एक ही बार बूटेबल करोगे तो पूरी लाइफ टाइम आपको विंडो खुद अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो।
यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 7 अल्टीमेट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर पीसी का नाम दे देंगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको भी यहाँ स्किप कर देना है, क्योंकि आपके पास विंडो एक्टिवेट करने के लिए की नहीं है। तो आपको मैं विंडो एक्टिवेट आपको किस तरह से करनी है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। विंडो बिना पैसों के की खरीदे आपको किस तरह से विंडो एक्टिवेट करनी है। चलिए टाइम सेट कर लेते हैं पहले, जो भी आपका टाइम हो, मुंबई न्यू दिल्ली सेट कर लेंगे हमारे इधर। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। विंडो इंस्टॉल होने के बाद इसमें ड्राइवर की मांग होती है, ड्राइवर किस तरह से आपको इंस्टॉल करने हैं। विंडो तो आपके पास हो सकती है कि आप iOS फाइल डाउनलोड करके पेन ड्राइव बना के बूटेबल बना के आप विंडो इंस्टॉल कर लोगे। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर कहाँ से लाओगे आप, सॉफ्टवेयर के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और वेबसाइट भी बता दूंगा आपको किस तरह से कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। देखिए हमारी सक्सेसफुली विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसमें सॉफ्टवेयर डलने बाकी है। सॉफ्टवेयर डलने के लिए आपको सीधे गूगल क्रोम पे जाकर वहाँ से जो भी मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ दूसरी वीडियो में, आप यहाँ देख सकते हैं माई कंप्यूटर में जाके कि विंडो एक्टिवेट है या नहीं है। उसके लिए माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं नीचे विंडो नॉट एक्टिवेट 3 डे यूनिट ऑटोमेटिक एक्टिवेशन विंडो नाउ। यहाँ पे हमारे पास कोई एक्टिवेट विंडो नहीं है। आपको विंडो एक्टिवेट करने के लिए आपको गूगल से विंडो 7 लोडर डाउनलोड कर लेना है और उसको जिप फाइल में जो पासवर्ड होता है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ विंडो 7 लोडर पे क्लिक करना है। यहाँ विंडो 7 लोडर है इसको रन कर देना है। जैसे रन करोगे आपको यहाँ पासवर्ड डालने के लिए बताएगा, जो आपने अभी पासवर्ड कॉपी किया है वो यहाँ पे फिल कर देना है, फिर ओके कर देना है। ओके करने पर यस कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये हमारी विंडो एक्टिवेट नहीं थी, अब इसको हम फ्री में बिना पैसे दिए कि नहीं खरीदी हमने कुछ नहीं, हम फ्री में इसको एक्टिवेट करके दिखाएंगे वो भी लाइफ टाइम के लिए। यस कर देंगे, फिर इंस्टॉल कर लेंगे। विंडो इंस्टॉल होने के बाद आपको विंडो एक्टिवेट कर लेनी है। फिर उसके बाद जो भी जरूरतमंदी आपके ड्राइवर हों, फिर यहाँ गूगल पे से जाके अपने ड्राइवर भी डाउनलोड कर लेने हैं। आपको ड्राइवर जिस तरह से डाउनलोड करने हैं आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दूसरी, उसमें मेरा पूरी तरीके से बता रखा है आपको कंप्यूटर के लिए कौन कौन से ड्राइवर मेन होते हैं जो आपको डाउनलोड करने ही ज़रूरी हैं, वो आपके सबको मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाकर विंडो इज एक्टिवेट, यहाँ देख सकते हैं आप विंडो इज एक्टिवेट, विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये लाइफ टाइम के लिए है। आप इसमें विंडो 7 सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है। अब यहाँ से